वो अखिलेश तुम्हारी 1 किलो हरी इलायची हो गई, और क्या लेना है अखिलेश जल्दी जल्दी बताओ। ये पिसी हुई हल्दी दे दो 50 ग्राम। राहुल क्या मजाक कर रहे हो, हरी इलायची तो 1 किलो ले रहे हो और पिसी हुई हल्दी 50 ग्राम मांग रहे हो। मुझे लगता है कहीं तुम उल्टा सामान तो नहीं ले रहे हो, तुम्हें हरी इलायची 50 ग्राम लेना चाहिए थी जबकि हल्दी 1 किलो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत, मैं जितनी जितनी चीज बोल रहा हूँ वो तोलते रहो। मैं बिल्कुल सही मांग रहा हूँ जो भी चीज मांग रहा हूँ। हल्दी मेरे घर ज्यादा नहीं खाई जाती है, लेकिन हरी इलायची बहुत खाई जाती है चाय में डालकर। मोदी जी अखिलेश को ही सामान देते रहोगे, हम क्या बेफालतू में बैठे हुए हैं। सारा गरम मसाला मिलाकर 250 ग्राम कर दो और लाल मिर्ची अलग 50 ग्राम तोल दो। मोदी जी आप इतना अच्छा गरम मसाला बेचते हैं, कोई अच्छी सी दुकान को ना ले लो। तुम ये रोड पर रखकर गरम मसाला बेचते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। लालू जी तुम्हें बुरा लगता है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रोड पर गरम मसाला बेचने में बहुत मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। अच्छा मोदी जी ठंडी ठंडी हवा आती है, आप जो टोकरी में सामने हल्दी और मिर्ची पिसी हुई रख कर बैठते हो, ये भी तो ओढ़ ओढ़ कर आंखों में आती है। और एक बार तो मैंने देखा था तेज हवा चली, आप रोड पर यूं ही गरम मसाला बेच रहे थे, सारी की सारी हल्दी और मिर्ची आपकी उड़ गई। इसीलिए लालू जी ठीक तो कह रहे हैं, एक कोई पक्की दुकान ले लो और उसी दुकान में रख के गरम मसाला बेचा करो। हाँ राहुल ये दिक्कत तो है, जब तेज हवा चलती है तो सारी की सारी मिर्ची मेरी टोकरी में से उड़ जाती है। चलो बेबालतू की बात छोड़ो, राहुल तुम बताओ तुम किस लिए आए हो, क्या लोगे मुझसे। और एक बात बताओ राहुल और अखिलेश, तुम अगर कोई भी गरम मसाला लेने के लिए आते हो मेरे पास तो मेरे पास में आकर क्यों बैठती हो, मेरे सामने आकर बैठा करो। मोदी जी जीरा चाहिए, जीरा क्या रेट बेच रहे हो। फ्री भाव बेच रहा हूँ। अरे मोदी जी फ्री में दे रहे हो तो जितना भी जीरा है सारा का सारा दे दो। अरे राहुल फ्री भाव का मतलब है सस्ता बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ ले लो। अरे मोदी जी ये आपका फ्री भाव है, 1000 रुपए किलो बेच रहे हो जीरे को। वो तो ये कहो आपका गरम मसाला अच्छा होता है इसीलिए हम आ जाते, नहीं तो इतना महंगा गरम मसाला खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर मुंह दिखाने तक ना आऊं। राहुल प्योर गरम मसाला बेचता हूं इसीलिए तो महंगा बेचता हूं, इसीलिए लोग आते हैं खरीदने के लिए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्शा को यहीं पे रोक लो, यहीं रोक लो, एक कप चाय पीते जाओ मेरी। अरे मैं चाय को ज्यादा महंगा नहीं बेच रही हूँ, और तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पर जो भाई साहब बैठे इन्हें भी एक कप चाय पिला दो। सोनिया जी एक बात बताओ, मैं इन्हें चाय क्यों पिला दूं, अगर ये अपनी मर्जी से चाय पीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये अपने आप चाय पी लें और पैसे खुद दे दें। भाई साहब ये सोनिया जी हैं, बहुत अच्छी चाय बेचती हैं रोड पर, एक कप चाय पी कर देखो इनकी, 10 रुपए का एक कप चाय देती हैं। मैं तो आते जाते हमेशा इनकी चाय पीता रहता हूँ, एक कप मुझे तो चाय दे दो सोनिया जी। भाई साहब इस चाय के चक्कर में मत पड़ो, अपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को तेजी से दौड़ाओ नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चाय नहीं पीऊंगा बहन जी। लेकिन आपको चाय बेचता देखकर मुझे एक बात याद आ गई, किसी जमाने में मैं भी चाय बेचता था। अब मैं चाय तो नहीं बेचता हूँ, चाय पत्ती का व्यापार करता हूँ। अब मैं असम जा रहा हूँ चाय के कुछ बागान खरीदने के लिए। बहन जी मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ, मेरी चाय पत्ती की चाय बनाया करना। आप मेरे हाथ की एक कप चाय तो पी नहीं रहे और मैं आपकी चाय की पत्ती की चाय बनाऊं, माना कि आप बड़ा बिजनेस करने लगे। कम से कम ये तो देखो कि तुम कह रहे हो कि तुमने भी चाय बेची थी रोड पर, तो तुम्हें अंदाजा होगा ही कि एक कप जब चाय बिकती है तो कितनी खुशी मिलती है अपनों को। चलो बहन जी जब तुम इतना ही कह रही हो तो एक कप चाय पिला दो, 10 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं पैसे जेब में नहीं रखता हूँ, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखता हूँ। तो मोदी जी इसका मतलब मुझे भी आप पैसे ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड से दोगे, मुझे तो छुट्टे पैसे चाहिए कह देता हूँ, नहीं तो यहीं उतर जाओ। अरे भाई साहब तुम क्यों भड़क रहे हो, तुम्हारे लिए तो पैसे आए, असल में मैं चाय नहीं पीना चाह रहा हूँ इसीलिए बहाने बना रहा हूँ। चलो तुम तो जल्दी जल्दी चाय पियो नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे रेलवे स्टेशन तक जल्दी छोड़ दो। भाई साहब चाय पत्ती का व्यापार करते हो लेकिन चाय पीते नहीं हो, ये कौन सी बात हुई, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता तुमने रोड पर कभी चाय बेची होगी जो तुम कह रहे हो कि चाय बेची है। अगर आपने चाय बेची होती तो रोड पर चाय बेचती सोनिया जी की एक कप चाय आप जरूर पीते। और पहले को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।